जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई में अब यूक्रेन मांग रहा है भारत और इजराइल से हथियार, क्या भारत और इजराइल हथियार को देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चौंका दिया है दुनिया को ये बड़ा खुलासा करके 50 साल के लिए कोयला है हमारे पास। जानेंगे क्या सचमुच भारत के पास इतना रिजर्व है और चीन को किस मामले में भारत ने बड़ा वाला टक्कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा चीन ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया था और इस खुलासे ने चौंका दिया था। तब भी दुनिया के देश आश्चर्य में पड़ गए थे चीन के खुलासे से। और ये सच है कि ऐसे देश जिनके पास अपना एनर्जी का कोई सेक्टर नहीं है, कहने का अर्थ है कि पेट्रोलियम डीजल का उत्पादन नहीं करते हैं, क्रूड ऑयल का उत्पादन नहीं करते हैं, वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती होती है युद्ध की चुनौती। इस समय युद्ध हर देश के आसपास मंडरा रहा है, चाहे आप एशिया देख लो, चाहे यूरोप देख लो, चाहे दुनिया के दिग्गज देश देख लो। जब ये युद्ध होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एनर्जी सेक्टर की। क्यों? क्योंकि अगर हथियारों को चलाना है तो उसके लिए भी चाहिए ईंधन, अगर कारखानों को चलाना है तो उसके लिए भी चाहिए ईंधन, बिजली वगैरह संचार हर जगह चाहिए ईंधन, ईंधन बेहद खास हो जाता है। यही वजह है कि चीन हो, भारत हो, ये सब बड़े बड़े रिजर्व्स में अपने ऑयल वगैरह को रखते हैं ताकि ऐसी विपत्तियों के समय इस्तेमाल हो। कहा जाता है कि जब महामारी फैली थी और सऊदी अरब देशों ने तेल के दाम बहुत ज्यादा गिरा दिए थे, तब भारत ने कच्चा माल खरीदा था और इन कच्चा माल को न सिर्फ अपने देश में जितने भंडारण थे, कहा जाता है पहाड़ों में के अंदर भंडारण वगैरह बनाए गए हैं, जहां भारत ने इसे जमा किया तो किया, जो अमेरिका में भी इसके रिजर्व के संसाधन थे वहां भी भारत ने जमा करके रखा है। अब कहा जाता है कि दोनों देश अपना अपना रिजर्व रखते हैं, चीन ने भी काफी बड़ा रिजर्व रखा हुआ है और चीन का रिजर्व तेल का इतना है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो करीब एक साल तक चीन अगर नहीं भी खरीदता है तेल तो भी उसका काम युद्ध में चल जाएगा, ये चीन के आंकड़े बताते हैं। वहीं भारत के लिए भी कमोबेश ऐसा ही कहा जाता है कि 6 महीने तक भारत का बिना एनर्जी के भी काम चल जाएगा। पर अभी भारत के पड़ोस में जितने पड़ोसी हैं उनकी स्थिति इससे एकदम अलग है। अब ऊर्जा का सिर्फ एक ही साधन तो नहीं है, ऊर्जा का एक दूसरा साधन भी है और वो है कोयला। दुनिया को हैरान कर दिया था चीन ने जब हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि चीन के पास 50 सालों का कोयला रिजर्व है, यानी अगले 50 साल तक अगर चीन को कोयला आपूर्ति नहीं भी होती है तो चीन आराम से कोयले को चला सकता है, अपने भंडारण से अपने संयंत्रों को अपने फैक्ट्रियों को चला सकता है। इधर बीच रूस ने न सिर्फ तेल और गैस बल्कि कोयले के दाम में भी भारी कटौती की थी और इस भारी कटौती का फायदा चीन और भारत दोनों ने उठाया है, दोनों ने कोयले को भरपूर खरीदा भी है। अब भारत की तरफ से भी बड़ा खुलासा किया गया है। वैसे आपको बता दें भारत में भी और चीन में भी कोयले का उत्पादन अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और दोनों देशों ने अब ये दावा कर दिया है कि दोनों के पास 50-50 साल के लिए कोयला रिजर्व हो चुका है, यानी 50 साल तक हमें अगर किसी से कोयला नहीं भी मिलता है तो भी हमारे संयंत्र चलेंगे, तो भी हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी। खैर, ये बात कही है प्रहलाद जोशी ने, कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने इस बात को कहा है कि हम अपने देश में करीब इतना रिजर्व तो रख ही रहे हैं। सरकार की तरफ से ये खुलासा बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई अब एक अलग मोड में चली गई है। आपने देखा कि इस तरीके से रूस ने मिसाइलों की बारिश कर दी है और अब तो ईरानी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल रूस खूब कर रहा है और ये ईरानी ड्रोन्स बहुत ज्यादा फायदा दिला रहे हैं रूस को। और ऐसे में यूक्रेन को हर हाल में चाहिए डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम की बात की जिसमें जर्मनी ने अपने टॉप का डिफेंस सिस्टम तो भेज दिया, अमेरिका अभी भेजने वाला है, फ्रांस की तरफ से ऐसी कोई हाँ या ना
नहीं कही गई है। फिर भी डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया जा रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को ऐसा लगता है कि ये सारे डिफेंस सिस्टम उस काम के नहीं है। और हथियारों के मामले में अब यूक्रेन भारत और इजराइल की तरफ देख रहा है। दरअसल इस समय इस लड़ाई में इजराइल की भी कहीं न कहीं एंट्री हो गई है। इजराइल की एंट्री कैसे हुई है तो आपको बता दें, जैसे ही रूस ने ईरानी ड्रोन्स को खरीदा है, ईरान को इजराइल अपना दुश्मन मानता है, ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के बाद इजराइल थोड़ा सा बुझा हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि ईरानी ड्रोन इस युद्ध में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान से पंगा सीरिया में है इजराइल को, ईरान को जहां लगातार हमला करता रहता है सीरिया में इजराइल, तो वहीं सीरिया में दो देश सामने सामने हैं, इजराइल और रूस, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन जल्दी एक दूसरे की सेना पर नहीं हमला करते हैं, जो समर्थक लोग हैं उन पर हमला करते हैं। इजराइल यहाँ पर बचता हुआ दिखता है, जल्दी रूस से सीधा पंगा नहीं लेना चाहता है। हाल में इजराइल फिलिस्तीन का भी कुछ झगड़ा हुआ था, तो रूस ने एंट्री मारी थी, जिसके बाद इजराइल इस मामले से पीछे हटने लगा था, और इजराइल दोस्ती बनाकर चलना चाहता है रूस के साथ, रूस के साथ कोई पंगे नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे ये पता है कि ऐसा होने से सीरिया में फिर समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएगी, रूस खुले रूप से छूट दे देगा। यही वजह है कि यूक्रेन को अभी तक इजराइल ने कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किया है। ईरान के हथियार आने के बाद इजराइल ने कुछ चिंता जरूर व्यक्त की है, पर अभी तक इजराइल इस मामले में नहीं कूदा था। इजराइल ने सिर्फ यही कहा था कि हम चाहते हैं शांति हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, जो बात भारत कह रहा है वही चीज कह रहा है। यूक्रेन जानता है कि अमेरिका हार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगना बेकार की बात है, अमेरिका ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाला है नहीं। अमेरिका वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को ऑफर कर रहा है जो भारत ने रिजेक्ट किया हुआ था, पर अब यूक्रेन ये चाह रहा है कि भारत और इजराइल ने मिलकर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है बराक 8, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे मिल जाए, और इसके लिए यूक्रेन इजराइल से भी बात कर रहा है, कथित तौर पर भारत से भी बात कर रहा है। भारत ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया हुआ है, भारतीय नौसेना में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। अब बराक 8 के लिए दोनों देशों के साथ संपर्क साध रहा है यूक्रेन। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन के पास अपना कुछ भी नहीं बच गया है, यूक्रेन के पास एक भी गोला बारूद अब कथित तौर पर अपना नहीं बच गया है, और रूस लगातार गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रहा है। यही वजह है कि अब आने वाला जो युद्ध है उसमें रूस ज्यादा आक्रामक और भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर यूरोपीय देश धीरे धीरे टूट रहे हैं और इस युद्ध का धीरे धीरे समर्थन करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई अब उनको अपने ही देश में परेशान करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब इजराइल और भारत क्या निर्णय लेते हैं, या इजराइल क्या निर्णय लेता है बराक 8 को लेकर, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है, क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचना चाहिए यूक्रेन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।